हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आप भी फ्रेशर हैं और यदि आपकी क्वालिफिकेशन आईटीआई, डिप्लोमा, डिग्री कुछ भी हो सकती है, बीएससी, बीकॉम कुछ भी आपने किया है और जॉब आप सर्च कर रहे हैं, जॉब के लिए फर्स्ट टाइम आप निकल रहे हो, तो आपको अपने लोकल एरिया की कंपनी को नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है, सबसे बड़ा रीज़न क्या है, वो तो मैं डिस्कस करूँगा। और दोस्त, कब ज्वाइन करनी चाहिए ये भी आपको बताऊँगा, कितना एक्सपीरियंस हो जाने के बाद ज्वाइन करना चाहिए, तो उसके क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे। इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हो तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा डिसीजन ले पाओगे और अच्छी ग्रोथ देखोगे अपने लाइफ में, अपने करियर का। तो दोस्त, यहाँ पर चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा रीज़न क्या। तो दोस्त, सबसे बड़ा जो यहाँ पर डिफरेंशिएट देखने को मिलता है वो सैलरीज रिगार्डिंग है। और दोस्त, यदि आप बाहर जाते हो तो आपको बता दें वहाँ पर आपको टॉप लेवल की कंपनियाँ भी देखने को मिलती हैं, ऐसा नहीं कि आपके लोकेशन में नहीं हो सकती हैं। लेकिन दोस्त, नेक्स्ट दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यदि आप बाहर जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो, एक्सपीरियंस लेते हो और एक्सपीरियंस के बाद अप्लाई करते हो आप अपने नियरेस्ट लोकेशन, अपने लोकल एरिया कंपनी में, और फिर वहाँ से जब आप एक्सपीरियंस के बाद आओगे तो आपका ऑन रोल होने के चांस फुल हैं। और दोस्त, यहाँ पर आपका सैलरी इंक्रीमेंट अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट आपका जो है सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्त, यहाँ पर सबसे पहले आपका एक ऑप्शन होता है कि आपके लोकल एरिया में कोई कंपनी है तो आपको पहले नहीं ज्वाइन करना है, बाहर से ट्रेनिंग ले लो, एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद आप अपने एरिया में, अपने लोकेशन में आओ एक्सपीरियंस के बाद। तो यहाँ पर आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा, पोस्ट भी अच्छी देखने को मिलेगी। अगर फ्रेशर में आप ज्वाइन करते हो तो एक तो लोकल वालों को रखता नहीं है कंपनी वाला, और दोस्त यहाँ पर यदि आप ज्वाइन करते हो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट में रखा जाता है, जिसका ना तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाता है ना ही कुछ, सिर्फ सैलरी दिया जाता है, PFSIC दिया जाता है। तो दोस्त, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होता, ये मजदूरों की तरह फिर आप वहाँ पर रिएक्ट कर रहे हो, काम कर रहे हो। अगर आपका क्वालिफिकेशन टेक्निकल है, IT डिप्लोमा डिग्री है, तो दोस्त आपको एज अ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ पर आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, आपका एटलीस्ट आपको ट्रेनिंग में रखती है जो कंपनी, वहाँ पर जाकर आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए, जो कि दोस्त आपके जो लोकल की कंपनी है वो आपको कभी भी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो दोस्त, आप यदि पोस्ट में इंक्रीमेंट, ऑन रोल और सैलरी में इंक्रीमेंट देखना चाहते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको ट्रेनिंग के पीरियड में आपको बाहर ही जाना चाहिए, किसी आउटर लोकेशन में, लाइक आप जैसे बिहार से हो तो पुणे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, और कहीं भी गुजरात चले जाओ जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, और वहाँ पर आप जाकर किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करो जहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करे कंपनी ट्रेनिंग की, और दोस्त आपको एक्सपीरियंस हो जाए तो एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करे, सैलरी स्लिप प्रोवाइड करे, फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हो अपने नियरेस्ट लोकेशन की लोकल कंपनी में। तो दोस्त, यहाँ पर आपको यदि हो जाता है तो आप पोस्ट के साथ आओगे, ऑन रोल हो जाओगे और सैलरी भी बढ़ जाएगी और आपका एक ऑप्शन खुला रह जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही कर लेते हो तो दोस्त यहाँ पर फिर आपका ऑन रोल होने चांस बिल्कुल कैंसिल हो जाता है, यदि आपका रेफरेंस नहीं है, लिंक नहीं किसी के साथ तो, ठीक है। तो दोस्त, यहाँ पर आपको इसलिए मैंने सब कुछ क्लियर और कन्फर्म कर दिया है, क्योंकि दोस्त यदि आप ऑनलाइन भी अप्लाई करते हो अपनी लोकल कंपनी में, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है एक्सपीरियंस बेस में, तो होने के चांस 100% रहता है। यदि आप फ्रेशर लेवल में अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट में कर लेते हो तो फिर आपका दोस्त वहाँ पर एक इमेज भी डाउन हो जाती है और इमेज भी खराब हो जाती है, और आप कॉन्ट्रैक्ट में किए हो तो आपका इमेज ऑलरेडी डाउन रहता है। लेकिन वही आप डिप्लोमा किए हो, डिग्री किए हो और एक्सपीरियंस बेस में आते हो, जैसे कि जूनियर इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर की पोस्ट में आते हो, तो यहाँ पर आपका एक इमेज फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन जैसे आपको पता ही है, तो यदि आप फर्स्ट इंप्रेशन आप एज ए जूनियर इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर या फिर दोस्त आप एटलीस्ट सुपरवाइजर के पोस्ट में आते हो तो दोस्त एक अलग इमेज और अलग इम्पैक्ट डालते हो। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि दोस्त यहाँ पर जो है आप जब फ्रेशर लेवल में ज्वाइन करो लोकल कंपनी को, तो दोस्त यहाँ पर आपको काफ़ी फायदे मिलेंगे, और दोस्त आपका ऑप्शन भी खुला रहता है, आपके घर के पास की जो कंपनी है वहाँ पर अप्लाई करने के लिए ऑप्शन खुला रहता है। सो आई होप आपको वीडियो हेल्प मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।